साठ के दशक की टॉप एक्ट्रेस वैजयंती माला ने अपने फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। लोग ये नहीं भूल सकते हैं जिस तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाकर रखी है। ये आप भी जानते ही हैं कि वैजयंती माला एक शानदार एक्ट्रेस होने के साथ एक शानदार डांसर भी रही हैं। वैजयंती माला वो अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने 60 के दशक में सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, दिलीप साहब से लेकर राज कपूर के साथ। जिस दिलीप साहब के साथ उनकी जबरदस्त हिट फिल्मों में एक देवदास फिल्म की आज भी चर्चा होती है। वैजयंती माला की जिंदगी का एक राज हम आप सभी के बीच आज जरूर खोलना चाहेंगे। आज हम आपको ये बताना जरूर चाहेंगे कि दोस्तों वैजयंती माला वो एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज किया था। लेकिन साल 1968 में जब उनकी शादी चमनलाल बाली से हुई, डॉक्टर चमनलाल बाली के प्यार में पड़ने वाली वैजयंती माला ने शादी के बाद अपनी करियर पर विराम लगा दिया, क्योंकि उन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर ही हमेशा काम करना था। वो कभी भी साइड हीरोइन बनना नहीं चाहती थी। तो वहीं वैजयंती माला ने शादी के बाद 18 साल बाद ही पति को खो दिया था। साल 1986 में चमनलाल बाली का निधन हो गया था। लेकिन बेटे सुचिंद्रा बाली के जन्म के बाद वैजयंती को बुढ़ापे में भी आज बेटे और ग्रैंड चिल्ड्रन का साथ मिल रहा है, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी गुजार जरूर रही हैं, खुशी पूर्वक वो रह रही हैं और अपने खुशी पूर्वक इस जिंदगी में उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। कहा जाता है कि वैजयंती माला ने इसी कारण से अपनी जिंदगी को बहुत अलग और अनोखा रखा है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के साथ रहकर खुश है, उन्हें अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन पति के ना होने की वजह से बुढ़ापे में आज भी सिर्फ बड़ी बिंदी और काभर सुरमा आंखों में जिंदगी गुजार रही वैजयंती माला काफी अलग हटकर रह रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।